अभी तौसिफ ने मुझे एडी का हिंट तो दे दिया, एकदम मस्त समझ में आ गया मुझे कि एक्टिव डायरेक्टरी यार एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है और एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स दूसरे भी हैं जो हम आगे है कि जैसे जैसे इंप्लीमेंट करेंगे यार हमारी कंपनी एक्सपांड होगी तो हमको एक्टिव डायरेक्टरी बहुत फीचर या बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई और आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट बढ़ते, मैंने तौसिफ को बुलाया, यार तौसिफ चलना यार एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करने के पहले कोई प्री रिक्विजिट है क्या, मतलब कुछ प्री रिक्विजिट है क्या? तो बोले हाँ अहमद भाई, अहमद भाई, अच्छा मैंने अपना नाम बता दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अहमद भाई ये प्री रिक्विजिट है कि भाई आपको है ना सबनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, डीएनएस के बारे में पता होना चाहिए और फिर बाद में अपने को क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए तो अपन एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट कर सकते। बोले अच्छा सबनेटिंग, तो आप लोगों को जिसको भी सबनेटिंग के बारे में नहीं पता, आईपी एड्रेस क्या होता है वो सब नहीं पता, तो आप है ना यूट्यूब पे बहुत सारे दुनिया भर के वीडियो पढ़े, एक आधा वीडियो देख लो और समझ लो आपको क्या है। मुझे तो पता ही होता है तो मेरे को कोई कम नहीं है, मेरे को अगर नहीं पता है तो मैं यूट्यूब से देख लूंगा या पढ़ लूंगा खुद ही। तो बोला यार तूने अभी एक बात किया डीएनएस की तौसीफ, तो ये डीएनएस क्या है? ले सर अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी को समझना है तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस इंटीग्रेट होता है, तो डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनएस को हम लोग बोलते डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा मैं बोला डोमेन नेम सिस्टम, बोले ये क्या करता है यार, ये क्या वाला है, ये वाला क्या करती है? बोला सर देखो आप अपने मशीन पे, उसने मुझे बताया कि आप अपने मशीन पे जब google.com टाइप करते हो ना तो google.com एक्चुअली है ना बैकएंड में एक आईपी पे रिजॉल्व होता है, मतलब रिजॉल्व होता है मतलब ये कन्वर्जन होता है नेम टू आईपी, ये नेम है और नेम टू आईपी का कन्वर्जन होता है, मतलब यहाँ पे कोई आईपी होगा पब्लिक आईपी 20.40.60.70। बोले ये कैसे देखूं? तो बोले सर आपको देखना है ना तो आप है ना एनएस लुकअप मार के देख सकते हो। बोले अच्छा एनएस लुकअप, मैं एनएस लुकअप में बोला चल अभी दिखा जरा। बोला ठीक है सर दिखा देता हूँ अभी। अच्छा बोले सर देखिए ये जो डिफॉल्ट सर्वर आपको बता रहा है ना उसकी जगह अगर मैं google.com डालूं, दिख रहे हैं सर google.com का आपको आईपी मिला, ये आईपी है google.com का। तो बोले अच्छा, तो बोले ये आईपी तो फिर ये नेम क्या कर रहा है? तो बोले सर नेम क्या आसान से याद होता है ना, इसीलिए नेम हमको याद, नेम में कन्वर्जन किया गया। अच्छा अच्छा तो ये कौन करता है? तो ये डीएनएस करता है सर, नेम टू आईपी, और अगर आप आईपी देंगे तो नेम में कन्वर्जन करेगा। अच्छा तो सारी वेबसाइट का जो नेम जो है वो डीएनएस कन्वर्जन करता है। मैं बोला हाँ बराबर है, परफेक्ट। तौसिफ ने बोला एकदम परफेक्ट है सर, डीएनएस ही करता है। मैं बोला चलो ठीक है, ये google.com का जो आईपी है ये जरा देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, ये आईपी है ना ये इधर डाल के देखता हूँ तो ये कन्वर्जन होना चाहिए या चल, ये देखो हो गया ना कन्वर्जन google.com। अच्छा अभी मैं बोला बाय डिफॉल्ट गूगल चल रहा होगा, अरे कोई दूसरा बता ना। मतलब ठीक है सर दूसरा ट्राई करते, microsoft.com का ट्राई करते, पता नहीं चलेगा कि नहीं, जस्ट ट्राई करते यार, अपन भी तो सीख ही रहे हैं सब लोग। चलो नॉट फाउंड आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ करके रखा है बैकग्राउंड में कि भाई डायरेक्टली आईपी से नहीं चलेगा तो कोई दूसरा देखते, yahoo.com। कुछ लोग ब्लॉक भी कर सकते कि आईपी से नहीं चलेगी, या ये सबसे पहला आईपी उठाता हूँ ये वाला। अरे देखो आया ना याहू, यू विल बी राइट बैक। तो मतलब नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? डीएनएस। बोला अच्छी बात है तौसीफ, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझाएंगे ये कैसे चलता है? बोला सर कोई बात नहीं, अच्छी तरह समझाते, आपको भी समझाता हूँ और सर आप भी समझ लो। बोला ठीक है बता। तो बोले सर देखो ये आपका मशीन है, आप जब भी ये ना टाइप करते हो ना google.com www.google.com जब आप टाइप करते हो ना तो सर क्या होता है बैकग्राउंड में कि ना सबसे पहले ये google.com का है ना google.com का आईपी रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कौन है google.com? तो सबसे पहले ना आपके ना मशीन में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि google.com आपकी मशीन में कोई डिटेल है क्या, google.com का आईपी है क्या। लोकली अपने मशीन में सर्च करेगा, नहीं मिला तो आप क्या करेगा, वो देखेगा कि आपको जो इंटरनेट किधर से मिल रहा है, आईएसपी से, राइट, आईएसपी से मिल रहा है ना, तो आईएसपी के सर्वर पे जाएगा, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको हाथवे से मिल रहा है या जियो से मिल रहा है, आप किसका इंटरनेट, तो उनके पास ये क्वेरी भेज देगा कि भाई तेरे को पता है google.com क्या है? तो बोलेगा भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ना मेरे पास है ना डॉट सर्वर का एड्रेस है। बोला डॉट सर्वर,
डॉट सर्वर यानी रूट सर्वर बोलते हैं डीएनएस में, ये जो डॉट है ना बोले डॉट सर्वर का एड्रेस है। गूगल किसको कांटेक्ट करता है, डॉट को, बोले डॉट का, अच्छा डॉट सर्वर का, अभी डॉट सर्वर, अच्छा बोले अच्छा ठीक है, तो ये क्वेरी भेज देता है डॉट सर्वर को। अब जब डॉट सर्वर जो इंटरनेट पे कोई कंपनी है जो डॉट सर्वर को संभाल रही है, रूट सर्वर बोलते हैं, और ऐसे पूरी दुनिया में 13 रूट सर्वर है जो ये डॉट का काम हैंडल करते हैं, रूट डोमेन का नाम हैंडल करते हैं। तो ऐसे 13 आई थिंक 13 सर्वर है, ए बी सी डी ई एफ जी के नाम से आता है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो। तो ये क्वेरी जाती है google.com, उसके पास जाती है, भाई तेरे, ये ISP भेजता है, भाई तेरे पास google.com का IP है क्या? बोलता नहीं मेरे पास google.com का IP नहीं है, बट मेरे अंडर जो है ना .com, .org, .edu, ये सब जो डोमेन नेम है ना next, ये इन सब के सर्वर का डिटेल है। अब तेरे को चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं तेरा .com से स्टार्ट हो रहा है तो .com का IP देता, तो ISP को ये .com का IP देता है। अच्छा तो .com के IP किससे है ना, ISP है ना, .com सर्वर कॉन्टेक्ट करता है। बोले भाई तेरे को पता है कि google.com कौन है? तो बोलता है यार google.com, रुक जा मेरे को देखने दे। तो बोलता हाँ पता तो है google.com। तो बोले एक काम कर, google.com के IP मैं तेको देता हूँ। तो वो क्या करता है, ये रिटर्न में google.com का IP देता है। अच्छा तुम वो google.com का IP मिलता है ISP को, तो ISP google.com के IP से इधर कॉन्टेक्ट करता है google.com के सर्वर को। google.com को पूछता है तेरे को पता है कि google.com कौन है? www, हाँ है ना मेरे पास IP, ये ले, ये ISP को देता है, ISP ये मशीन को देता है। ठीक है एक सेकंड ना, तो अब जैसे ही google.com का IP ये ISP को मिलता है, ISP अपनी मशीन को, आपकी मशीन को देता है, और आपके मशीन पे google.com की वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन बोले यार ये तो इतना लंबा प्रोसेस, मेरे को तो समझ में नहीं आता। बोले सर बैकग्राउंड में इतना फास्ट होता है ना ये प्रोसेस कि आपको समझ में नहीं आती कि वेबसाइट कैसे खुल जाती है, और अभी 10 मिनट बाद फिर आपने google.com डाला ना सर, तो ये वापस ये प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे मशीन में भी सेव है और ISP ने अपने DNS सर्वर पे इसको कैश करके रखा हुआ है, आपकी मशीन ने भी इसको कैश करके रखा है, तो आपको डायरेक्टली ISP से मिल जाएगा, या आपकी मशीन में कैश किया हुआ डायरेक्ट मिल जाएगा IP, आपको रूट सर्वर तक IP ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेबसाइट पे या कोई भी DNS रिजोल्यूशन इंटरनेट पे ऐसा होता है। तो मोटा मोटा अभी इसमें बहुत सारी डिटेल भी होंगी, आप ये मत सोचिए कि अभी और क्या, इतना समझिए आपको मोटा मोटा चीज समझ में आ गया ना सर कि भाई किस तरह DNS रिजॉल्व होता है इंटरनेट पे। बोले ठीक है, मैं बोला ठीक है यार तू तो समझ, मैं तो समझ गया, लेकिन मेरे को बता ये तो इंटरनेट पे हो ना, हमको क्यों जरूरत पड़ेगी DNS की? मैं बोला बहुत अच्छा सवाल है सर, जैसे हम AD इंस्टॉल करेंगे ना और मशीन डोमेन में डालेंगे, मतलब मशीन जो भी हमारे डोमेन कंट्रोलर जो AD जिसमें इंस्टॉल होता है उस सर्वर को बोलते हैं हम डोमेन कंट्रोलर, क्या बोलते हैं? डोमेन कंट्रोलर। ओके और दूसरे जो सर्वर्स रहेंगे वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, उसको भी डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। जो ये दूसरे जो डोमेन कंट्रोलर्स जो इंस्टॉल होते हैं ना उसके अंदर अगर हम DNS सर्वर रखते हैं, DNS सर्वर इंटीग्रेट करते हैं, DNS सर्वर का काम क्या रहता है सर, जैसे ये हमारी मशीन डोमेन में गई इसका जो नाम रहेगा ना वर्क स्टेशन नेम रहेगा PC01, PC02, PC03, ये सब जो है ना आपस में इन लोग को अगर इसको कांटेक्ट करना है ना ये मशीन को PC01 को PC02 के है ना मशीन के अंदर डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है शेयर फोल्डर उसको एक्सेस करना है तो PC02 का डबल बैकस्लैश IP नहीं डालेंगे डायरेक्टली PC01 डबल बैकस्लैश करके एक्सेस कर सकती है क्योंकि PC01 का IP DNS में रजिस्टर्ड रहेगा और DNS उसको रिजॉल्व करेगा। बोला अच्छी बात है। और सर अगर हम इंटरनल कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट का नाम अपन को रखना रहेगा तो वो नाम हम किधर सेव करेंगे? हमारे इंटरनल वेबसाइट है ना ये तो इंटरनल चलेंगे इंटरनेट पे तो नहीं है तो हम वो इंटरनल वेबसाइट को चलाने के लिए अपनी इंटरनल HR की वेबसाइट जो भी वेबसाइट हम बनाएंगे वो वेबसाइट हमें ना हमारे AD में जैसी और DNS में रजिस्टर करेंगे ना तो वो अपने नेम से ना खुलेगी जैसे HRApps.com या TimeCard.com वो अगर हमारे बंदे लोग आगे फ्यूचर में कभी हमारी कंपनी बढ़ी और हमको टाइम कार्ड एप्लीकेशन रखना पड़ा ये सब कुछ रखना पड़ा तो हमारे को बहुत काम आएगी ये सब चीज। तो DNS हमारे को उसमें इंटरनल DNS हमारा काम करके देगा। इंटरनेट पे इंटरनेट वाला DNS है, यहाँ पे हमारे को अपनी ऑफिस की क्वेरी रिजोल्व करने के लिए हमको इंटरनल DNS सर्वर लगेगा। सर आपको इधर इजीली समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बोला ठीक है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है लेकिन मेरे को थोड़ा ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि मेरे को PC02 या PC03 को
इंटरनेट पर डबल बैक स्लैश से उसका शेयर फोल्डर एक्सेस करना है तो मैं हमेशा आईपी देता था, इसका आईपी था 192.168.0.5 था, इसका 192.168.0.6 था, तो मैं डबल बैक स्लैश 0.6 देता था, उसकी जगह मेरे को अभी PC03 देने बोला। करेक्ट सर, तो PC03 जैसे आप देंगे तो DNS उसको रिजॉल्व कर देंगे। बोले कि मेरे को बताए लेकिन ये PC01 है ना, ये DNS पर क्वेरी कैसे भेजेगा? अगला सर PC01 के ना निक कार्ड में है ना, अपने ना DNS सर्वर का हमारे एड्रेस डाल देंगे, इसकी वजह से क्या होगा ये DNS सर्वर को रिजॉल्व कर पाए। बोला अरे भाई बहुत अच्छा है यार, ये सब तो बहुत मजा आ रहा है, एक बार करके देखेंगे ना तो मजा आएगा। बोले ठीक है सर, मैं जस्ट ना अभी दो सर्वर रेडी किया हूँ, उसको थोड़ा सा दो सर्वर रेडी किया हूँ, जैसे हमारा डोमेन कंट्रोलर है, एक हमारा क्लाइंट मशीन है, तो ये डोमेन कंट्रोलर को अभी तक डोमेन कंट्रोलर खाली OS इंस्टॉल करके रखा हूँ, हम इस पे ना DC इंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको ना तभी कंसेप्ट समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि भाई DC इंस्टॉल करने के बाद DNS कैसे इंस्टॉल करते ये सब कैसे करते, और फिर बाद में हमें ना ये PC01 को डोमेन में डालेंगे, फिर थोड़ा बहुत ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे और आगे जो कुछ करना रहेगा वो हम थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर, एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने का, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बोला ठीक है चल, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चल आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है।